सकते हैं त्रिकांतेश्वर स्वामी मंदिर का गेट काफी जबरदस्त है, इसको पीछे का बैकग्राउंड भी देख सकते हैं आप। देख सकते हैं ये बीच का नजारा, समुद्र ही समुद्र है, काफी पब्लिक है, देख सकते हैं। तो गाइस देख सकते हैं ये लगभग 5500 फीट है। तो भाई फोटो लगी है हमारे सुमित चौहान, ऊंचाइयां देख सकते हैं भाई, चाय बदली का खेत जो होता तो भाई फिर से स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों एक नया वीडियो के साथ फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो आज आपको लेके जा रहे हैं शानदार जगह में, जो कि ऊटी का सबसे बेस्ट प्लेस से टी गार्डन है, टी गार्डन या फिर टी प्लांटेशन भी बोल सकते हैं। वहाँ पे लेके जा रहे हैं, काफ़ी ब्यूटीफुल नज़ारा है चाय पत्ती, जिधर भी देखें आप सब सारा जगह चाय पत्ती का खेती दिखेगा, नज़ारा काफ़ी बेहतरीन है, बस लगे रहें। तो अभी अपन आ गए हैं, देख सकते हैं द मेडल्स रेजिमेंटल सेंटर, जो कि आर्मी कैंप है, काफ़ी बड़ा कैंप है ये, यूपी का सबसे बेहतरीन जगह। अंदर का नज़ारा देख सकते हैं, बस का काफ़ी अंधेरा, काफ़ी घूंघ कोहरा मचा हुआ है, देख सकते हैं पानी गिर रहा है हल्का हल्का ऊपर से, नज़ारा देख सकते हैं आप सब कितनी बेहतरीन है, यहाँ देख सकते हैं कोहरा मचा है पूरा, हर जगह जहाँ देखें वहाँ। अंदर का नज़ारा भी काफ़ी बेहतरीन है, बस का अंदर का नज़ारा देख सकते हैं, यहाँ पर शीशा में भी धुआं धुआं हो गया है, मतलब सामने से कुछ दिख नहीं रहा है, तो पानी मार के यहाँ पे साफ किया जा रहा है। तो भाई देख सकते हैं अपन कहाँ आ गए हैं ऊटी में, तो भाई देख सकते हैं शानदार नज़ारा इधर का कुछ इस तरह से भाई, जबरदस्त वाली तगड़ा फैंटास्टिक। तो भाई बता दें आपको, वो जो पटरी दिख रही है रेल पटरी, जो चल छैया छैया मूवी आप देखी होगी, उसमें जो फिल्म की शूटिंग हुई थी वो यहीं पर ऊटी में ही हुआ था। ये देख सकते हैं सीन, एक बार जूम करके दिखा देते हैं आपको, पटरी दिख जाएगा ये। वैसे कल तो अपन जाने वाले हैं, हमारा टिकट है कल का, तो वही ट्रेन में अपन सफ़र करने वाले हैं जिसमें चल छैया छैया मूवी और भी बहुत सारे मूवी शूटिंग हुआ है ये ऊटी में। यहाँ का व्यूज़ पॉइंट देख सकते हैं, ये पहाड़ वगैरह देख सकते हैं, अपन काफ़ी ऊँचा में है, ये जितना घर बसा है वो भी पहाड़ में है, इसके नीचे उधर पहाड़ जब ख़त्म होता है वहाँ पर जाएंगे तो काफ़ी नीचे है, ये काफ़ी ऊपर है, ये पहाड़ के ऊपर में जो पहाड़ है वहाँ से हम वीडियो बना के आपको दिखा रहे हैं, ये देख सकते हैं भाई। और यहाँ से शायद टेलीस्कोप वगैरह लगा हुआ है और उधर जाके जूम करके दिखाता है नज़ारा कुछ इस तरह से है यहाँ का। तो भाई मिलते हैं अभी, कुछ और भी सीन दिखाते हैं आपको, दूसरी जगह लेके चलते हैं ऊटी का व्यूज पॉइंट पे पहले, तो फिर इसके बाद लेके चलेंगे ये, इसके बाद पता नहीं कहाँ लेकर जाएगा, उसके बाद लास्ट जो पॉइंट होगा वो है चाय पत्ती की बगान में लेकर चलेंगे, वहाँ का व्यू दिखाएंगे आप सबको, लगे रहे हैं चैनल चल छैया छैया। तो भाई साहब लोग देख सकते हैं यहाँ का सिटी, देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी ज़बरदस्त नज़ारा है यहाँ का, मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ ट्रैवल करने में, बस में काफ़ी आनंद आ रहा है यहाँ पे, एक बार आप भी ट्रैवल करें, यहाँ का नज़ारा काफ़ी मज़ेदार है, देख सकते हैं यहाँ का इतनी शानदार नज़ारा भाई, देख सकते हैं पहाड़ में ट्रैवल करने का आनंद ही कुछ और ही मज़ा आता है, देख सकते हैं यहाँ पे चाय पत्ती की बगान वाले में स्टार्ट ही हो गया है और आगे का और भी शानदार नज़ारा दिखाने वाले हैं, बस आप लगे रहे हमारे चैनल पे, देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन लग रहा है यहाँ पे, ऐसे लग रहा है जैसे हिमाचल प्रदेश में आ गए हैं, और यहाँ का नज़ारा रोड और पेड़ देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। तो आगे लेके चलेंगे इससे भी ब्यूटीफुल नज़ारा में, कोहरा देख सकते हैं काफ़ी शानदार ज़बरदस्त। तो भाई देख सकते हैं यहाँ पे चाय पत्ती और मसाला वगैरह यहाँ मिलता है, ये देख सकते हैं भाई क्या क्या मसाला, मेरे को तो मालूम नहीं है। तो
चलने के लिए। तो भाई चाय आ गया है, देख सकते हैं यहाँ पे टेस्ट करने के लिए दिए हैं। तो चाय का टेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, देख सकते हैं। अरे एकदम बेहतरीन चाय है, एकदम जबरदस्त फैंटास्टिक। तो दोस्तों इस वक्त चॉकलेट टी पी रहा हूँ, काफी टेस्टी है, मैं तो लेके जाऊंगा। इतना धुआं है भाई, इतना धुआं है, लाइट जला के आना पड़ रहा है, देख सकते हैं। चाय पत्ती के खेती में यहाँ गाड़ी आ रहा है, देख सकते हैं। पूरा धुआं ही धुआं है भाई, इधर देख सकते हैं। चाय पत्ती का शॉप है और यहाँ देख सकते हैं भाई धुआं। तो भाई साहब लोग देख सकते हैं यहाँ पे अपन खाना वाना खाने के लिए रुके हुए हैं। काफ़ी बेहतरीन नज़ारा है यहाँ का, देख सकते हैं, जो कि कुन्नूर से लगभग 2 किलोमीटर इधर पहले छोटा सा रेस्टोरेंट है, देख सकते हैं। यहाँ पे नाश्ता वास्ता खाना वाना खाने के लिए रुके हुए हैं और इसमें अपन ट्रैवल कर रहे हैं, देख सकते हैं। बस काफ़ी बेहतरीन है, इसमें पर पर्सन 400 रुपये लगता है और पूरा ऊटी का सारा प्लेस, टूरिज्म प्लेस घुमाता है, 6-7 जगह जहाँ जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ वहाँ देख सकते हैं ये बस में। और यहाँ पे मेरा दोस्त देख सकते हैं कैसे हरकत कर रहा है, ये देख सकते हैं भाई पूरा मज़े में है वो। और यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन है, बस जबरदस्त नज़ारा देख सकते हैं भाई। इससे पहले मैं मुन्नार गया था पिछले साल और अभी देख सकते हैं ऊटी आए, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है वहाँ से, थोड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा है ये वहाँ से। और यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं भाई, मैंने पहले सिर्फ वीडियो या फिर रील वगैरह में देखा था और मैं इस बार फाइनली आ गया हूँ यहाँ पे घूमने। काफ़ी अच्छा फील हो रहा है यहाँ पे, देख सकते हैं मुड़ान और यहाँ पे वादी देख सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन नज़ारा है यहाँ का, ये देख सकते हैं। बेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड नहीं बोला जा सकता इसमें, ऊंचाइयाँ देख सकते हैं भाई। चाय पत्ती का खेती होता है यहाँ पे, शानदार वाली धुआं ही धुआं भाई, धुआं ही धुआं। तो भाई साहब लोग देख सकते हैं अपन यहाँ पे उतर चुके हैं, ये वाला बस है अपन जिसमें आए हैं और यहाँ पे सारे लोग आगे जा रहे हैं देखने के लिए। यहाँ का जो नज़ारा है काफ़ी बेहतरीन नज़ारा है, जो कि कुन्नूर हिल स्टेशन है ये। काफ़ी दूर दूर से यहाँ पे देखने आते हैं, पूरा इंडिया के हर कोने से यहाँ पे देखने आते हैं। काफ़ी व्यूस अच्छा है और अपन ऊंचाई लगभग 5,550 फीट ऊंचाई पे हैं, जो कि हिमालय पर्वत से लगभग 2,000 फीट बस कम होगा। और अपन कुछ इस तरह से हैं और अभी अकेले ही जा रहे हैं, दोस्त लोग आगे निकल गए हैं और मैं पीछे पीछे जा रहा हूँ। और नज़ारा देख सकते हैं भाई, पीछे का पूरा बादल देख सकते हैं, नीचे में दिख रहा है भाई, अब उससे ऊपर में है अपन, ये नज़ारा देख सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन लग रहा है भाई, मुझे तो काफ़ी आनंद आ रहा है। ये देख सकते हैं भाई, आप भी विजिट करें यहाँ पे, जो कि कुन्नूर ऊटी से लगभग 30 या 40 किलोमीटर दूर पड़ेगा वो टूरिज्म। तो भाई फाइनली अपन सबसे ऊपर चढ़ ही गए, ये देख सकते हैं नज़ारा पर। और अभी हम खड़े हैं ऊटी के शानदार व्यूज पॉइंट पे और पूरा थक गए भाई पहाड़ चढ़ते चढ़ते, लेकिन हार नहीं मानेंगे, पर हार नहीं मानेंगे भाई। तो भाई साहब नमस्ते, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आप सब अभी आए हैं भाई ऊटी का शानदार टी प्लांट में, पीछे का नजारा देख सकते हैं, मजा आ रहा है भाई। पीछे का बैकग्राउंड देख सकते हैं ना, आगे का बैकग्राउंड देख सकते हैं, पूरा धुआं ही धुआं भाई, इतना धुआं भाई धुआं।
तो इसी के साथ अलविदा लेते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, अभी के लिए बस इतना ही। तो ठीक है, बाय बाय। जय जोहर, जय छत्तीसगढ़।